तो आज का ये वीडियो सभी वीडियो से काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इनहेलर वर्सेस मेडिकेट। मतलब कि हम गेम के लास्ट टाइम वाले जोन में ढेर सारा मेडिकेट और इनहेलर लेकर जाएंगे, और एक बार हम इनहेलर से और एक बार हम मेडिकेट से लास्ट टाइम वाले जोन में सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, और हम देखें कि किससे हम ज्यादा देर तक जोन में जिंदा रह पाते हैं। मतलब कि कौन में ज्यादा देर तक जोन में जिंदा रख पाता है, मेडिकेट या फिर इनहेलर। और अगर इन दोनों में से कोई एक हमें कम टाइम के लिए भी जोन में जिंदा रखता है, तो ज्यादा देर वाले और कम देर वाले में कितना टाइम का डिफरेंस है। और उसी के साथ ही साथ इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि अगर आपको अपना फास्ट एचपी बढ़ाना है तो आपको मेडिकेट मारना चाहिए या फिर इनहेलर। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो में कौन जीतेगा, मतलब कि किससे हम जोन में ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएंगे, मेडिकेट से या फिर इनहेलर से। देखते हैं कि किसको ज्यादा वोट मिलता है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपने इनहेलर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम ढेर सारा इनहेलर लेकर जोन के पास आ चुके हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, हम इनहेलर और मेडिकेट दोनों ही के साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करने वाले हैं। मतलब कि हम डीजे लोग को यूज करने वाले हैं इनहेलर और मेडिकेट दोनों ही के साथ। और उसी के साथ ज्यादा हम यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम फॉर्ड कैरेक्टर को यूज करने वाले हैं। और आप सभी को फॉर्ड कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में पता ही होगा कि जोन के डैमेज को कम कर देता है। और यहाँ पर हम कपेला कैरेक्टर को भी यूज करने वाले हैं। और आप सभी को कपेला कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में पता ही होगा कि जो हीलिंग करने वाला चीज होता है उसका इफेक्ट बढ़ा देता है, मतलब कि उसका पावर को ये बढ़ा देता है। और उसी के साथ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम एंड्रयू कैरेक्टर को भी यूज करने वाले हैं। और आप सभी को एंड्रयू कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में पता ही है कि ये बेस्ट के पावर को बढ़ा देता है। और इन चारों कैरेक्टर को हम इनहेलर और मेडिकेट दोनों ही के साथ यूज करने वाले हैं, ताकि जो टक्कर है वो बराबरी का ही रहे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम अपने इनहेलर से कि ये हमें कितना देर तक जोन में जिंदा रख पाता है। तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं, ये लास्ट जोन नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा लास्ट जोन में अगर जाएंगे तो वहां पर बहुत ही ज्यादा माइनस होने लगेगा। तो सिंपली हम ये जो लास्ट थर्ड जोन है यही पर हम देखने वाले हैं कि इनहेलर हमें इस जोन में कितना देर तक जिंदा रख पाता है। तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही जोन आया हमने टाइमर को भी स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर डीजे लोग तो साथ ही में स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें रनिंग करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम स्टॉप हुए तो यहाँ पर हम इनहेलर को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज ही है इनहेलर को यूज करने के लिए। और अगर हम ज्यादा आगे गए जोन में तो सामने एनिमी भी है, तो वो भी हमें मार सकता है। तो यहाँ पर अब एचपी अचानक से ज्यादा माइनस होने लगा, क्योंकि जोन स्टॉप हो गया है और जो थर्ड जोन था वो अब सेकंड जोन बन गया, इसलिए यहाँ पर अब ज्यादा माइनस हो रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर इनहेलर ने 28 सेकंड में जोन के सामने दम तोड़ दिया। तो इनहेलर हमें इस जोन में 28 सेकंड तक जिंदा रखा। और अब हम देखते हैं मेडिकेट से कि ये मेडिकेट हमें इस जोन में कितना टाइम तक जिंदा रख पाता है। लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे गेमिंग स्किल के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो आपको पता ही है मैं कितना अच्छा गेमर हूँ, साथ ही मुझे आ गया पैसा कमाना अप टू 50 लाख। जी हाँ, आपने सही सुना। पता है कैसे? तो डाउनलोड करो प्लेयर स्पोर्ट्स, यहाँ पर 15 से ज्यादा गेम्स मिलेंगे, जैसे कैरम, कॉल ब्रेक, चेन रिएक्शन, स्टैकी बर्ड और लूडो वगैरह। आप रमी गेम में सिर्फ एक पैसे से टेबल ज्वाइन करके डेली जीत सकते हो। प्लेयर स्पोर्ट्स पे रमी खेलने का बहुत ही फायदा है, क्योंकि 100% सिक्योर, मेड इन इंडिया ऐप है, 7 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है, इजी विड्रॉल से खिलाड़ी के लिए तो रोज नए ऑफर आते रहते हैं, तो मौका का फायदा उठा सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड प्लेज 200 यूज करो और पाओ 200 साइन अप बोनस, जिससे आप और गेम्स खेल सकते हो, जैसे शिप फाइट एंड मैन चेस वगैरह। प्लेयर स्पोर्ट उनके रिफिल एंड प्रोग्राम से आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करो, उनको गेम खेलने पर आपकी 2% की विनिंग। इससे पहले कि आपके 50 लाख की विनिंग कोई और बाजी मार ले, जाओ डाउनलोड कर प्लेयर स्पोर्ट्स ऐप और मिलते हैं रमी के टेबल पे। और अब वापस से आते हैं हम अपने मेडिकेट पे। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस बार यहाँ पर हम ढेर सारा मेडिकेट लेकर आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि इस बार इस जोन में ये मेडिकेट हमें कितना देर तक जिंदा रख पाता है। और बाकी सब कुछ भी पहले जैसा होने वाला है, मतलब कि इनहेलर के जैसा है, मेडिकेट के साथ भी 4 कैरेक्टर को यूज करने वाले हैं, डीजे आलोक, एंड्रयू, फॉर्ड और कपेला। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वही जोन है जिसमें हमने इनहेलर से देखा था। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर मेडिकेट से कि ये इस जोन में मेडिकेट जो है हमें कितना देर तक जिंदा रख पाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही जोन आया हमने टाइमर को भी स्टार्ट कर दिया है, और उसी के साथ डीजे आलोक भी ऑन हो चुका है। तो पहले जी आपको याद होगा, जैसे ही जोन रुका था उस वक्त जो हमारा एचपी था वो माइनस होना ज्यादा हो गया था, मतलब बढ़ चुका था। तो यहाँ
पर जैसे इस बार भी यहाँ पर जैसे ही जोन रुकेगा जो हमारा एच पी है वो अब ज्यादा माइनस होने लगेगा। अभी तो कुछ ज्यादा नहीं हो रहा लेकिन जैसे ही रुकेगा ज्यादा हमारा एच पी जो है वो माइनस होने लगेगा। और मेडिकेट का टाइम इनहेलर का टाइम से काफी ज्यादा करीब हो चुका है, तो देखते हैं कि क्या मेडिकेट का टाइम इनहेलर का टाइम को बीट कर पाता है। तो यहाँ पर मेडिकेट ने इनहेलर का टाइम को पार कर दिया है, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि जो मेडिकेट है वो इनहेलर से कितना ज्यादा हो पाएगा, क्योंकि अब तो ज्यादा माइनस होने लगा है, जोन रुक गया जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। और इसी के साथ 39.73 सेकंड में मेडिकेट ने भी जोन के सामने घुटने टेक दिया। तो जो इनहेलर का टाइम था वो था 28 सेकंड और जो मेडिकेट का टाइम था वो था 39 सेकंड, मतलब के 11 सेकंड ज्यादा, जो कि बहुत होता है। और अगर आप हीलिंग मेडल कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा 1 सेकंड से वहां पर गेम चेंज हो जाता है। और इसको देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आपको फास्ट हीलिंग चाहिए तो आपको मेडिकेट मारना चाहिए, मतलब कि इस वीडियो में जो मेडिकेट है वो विनर है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना मेरी ऐसी और भी जो जबरदस्त वीडियोस है वो आप तक नहीं पहुंचेगी।